हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आदर्श कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप कैसे वेस्ट बंगाल या फिर WBJEE के जो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, वो भी अपने मनपसंद ब्रांचेज में। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन वो भी अपने मनपसंद ब्रांचेज में कैसे ले सकते हो? यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार ड्रॉप कर चुके हैं, दो बार ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन उनके रैंक के हिसाब से उन्हें कोई भी काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट एडमिशन। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैनेजमेंट कोटा एडमिशन इन टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखो, मैनेजमेंट कोटा एडमिशन में एक दिक्कत क्या है कि इसमें फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जो आपको पैसे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप सस्ते दामों में या फिर लोएस्ट रेट में आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी जो वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो एट द लोएस्ट रेट। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी डिमांड में रहता है कॉलेज। ठीक है, तो जो आपका पहले नंबर पर वो IIM कोलकाता, फिर हेरिटेज, टेक्नो, हल्दिया, नेताजी, AOT, टेक्नो यूनिवर्सिटी, MSIT, नरूला यूनिवर्सिटी, UEM, BP पोदार, RCC, MCKV, इन जैसे जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, फिर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। आपको जो भी ब्रांच पसंद है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, ऐसे ब्रांचेस में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप में से कोई फार्मेसी में भी इंटरेस्टेड है तो उनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे कॉलेजेस हैं कुछ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, गुरु नानक हो गया, NSHM, टेक्नो, तो इन कॉलेजेस में आप फार्मेसी के लिए डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो अगर आप फार्मेसी परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, और मैं आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है डायरेक्ट एडमिशन या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन का। ओके, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, लास्ट डेट क्या है, पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और आप कैसे एडमिशन लोगे ताकि आपको लोएस्ट रेट में एडमिशन मिल जाए, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट दे सकते हो, यू कैन टेक एडमिशन थ्रू आइदर WBJEE और JEE मेन रैंक। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आप और सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स पर डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते। आपके पास WBJEE का रैंक कार्ड या फिर JEE मेन का रैंक कार्ड होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो आपका रैंक है वो कॉलेजेस के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, दे विल वेरीफाई योर रैंक, वही आपका सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, जो भी आपका मनपसंद ब्रांच है, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ECE हो गया, मैकेनिकल हो गया, जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब आगे के जो पॉइंट्स देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, लास्ट डेट क्या है आपका डायरेक्ट एडमिशन का? तो देखो, अभी WBJEE का काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग आपका 28 अक्टूबर तक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब तक आपका WBJEE का काउंसलिंग चलेगा तब तक आपका डायरेक्ट एडमिशन चलेगा। लेकिन बात यहाँ आती है सीट्स की, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए सीट्स हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो सीट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, तो बहुत जल्दी वो भर जाते हैं। ठीक है, जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो वैसे नॉर्मली जो आपका लास्ट डेट हुआ वो WBJEE के काउंसलिंग के एंड तक हुआ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एंड तक आपके कितने सीट खाली हैं, क्योंकि जो सीट काफ़ी कम है तो बहुत जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, जो पहले जाएगा एडमिशन लेने उसे ही पहले एडमिशन दिया जाएगा, सारे बच्चों को तो एडमिशन दिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपका लास्ट डेट डिपेंड करता है कि कब तक आपका सीट खाली है, जब आपका सीट भर जाएगा एडमिशन होना बंद हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं फीस के बारे में कि आप लोएस्ट रेट में एडमिशन कैसे ले सकते हो। आपको पता होगा ही कि जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है उसमें फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपको बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट करना पड़ता है तभी जाकर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम फीस के साथ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट दिया गया है, एडमिशन हेल्पलाइन करके जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है। अब व्हाट्सएप पे पर्सनली उनसे चैट कर सकते हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उनसे चैट करो तो आप एडमिशन लोगे। आप क्वेरी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कितनी फीस लगेगी। ठीक, ऐसे क्वेरीज़ के लिए आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लोएस्ट रेट में एडमिशन चाहिए तो आपको सिंपली उन्हें यह कहना है कि आप ब्राइट एकेडमी चैनल से आए हो। ठीक है, ब्राइट एकेडमी का आप सब्सक्राइबर हो क्योंकि हमने स्पेशली आपके लिए बात किया है, तो वो ब्राइट एकेडमी को जानते हैं। ठीक है, आप ब्राइट एकेडमी से जाओगे तो आपको लोएस्ट रेट में एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट दिया गया है उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कुछ दिनों बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एडमिशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में समझते हैं। तो आपके लास्ट के जो दो पॉइंट है वो हो गए, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस।
सेवन्थ कॉन्टैक्ट थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो, आने वाले 2-3 दिनों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो कॉन्टैक्ट दिया उसे कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको एक डेट बताएंगे, उस डेट पे आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आपको वहाँ विजिट करना है। ठीक है, वहाँ विजिट करना है, आपको फ़ी पेमेंट कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ 2-3 दिनों में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा सिंपली। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो, काउंसलिंग का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगा, तो ऐसे आप अपना सीट खो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अपना सीट सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, अब उनसे कॉन्टैक्ट करो, अपना सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, आपका जो सीट है आपके लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। तो बुक करवाने के लिए आपको क्या करना है, बुक करवाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 10 से 15 दिनों में एडमिशन लेना चाहते हो, मींस काउंसलिंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहते हो, थोड़े दिनों बाद एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 5,000 का पेमेंट करके अपना जो सीट है वो बुक करवा लेना है। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो 5,000 आपकी फ़ीस रहेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको आप काउंसलिंग के दौरान सीट नहीं मिलती, तो आप वहाँ पर जाके अपने जो बुक्ड सीट है उस पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि कितने सीटें आपके मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन के लिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक सीट्स का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी आसान सा। ठीक है, कि मैनेजमेंट कोटा के लिए कितने सीट्स हैं वहाँ पे। आप जो बड़ा वाला सर्कल देख रहे हो, ये आपका WBJEE काउंसलिंग के सीट्स हैं, मीन्स जो WBJEE काउंसलिंग के थ्रू सीट्स फिल किए जाते हैं वो सीट्स हैं। उसमें से आप छोटा सा पिंक कलर का हिस्सा देख रहे होगे, वो क्या होता है कि जितने टोटल सीट्स उसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए रखा जाता है, यानी डायरेक्ट एडमिशन के लिए वहाँ पे रखा जाए, रिजर्व रहते हैं सीट्स। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन के लिए, तो आप उन सीट्स पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की है कि आप कैसे लोएस्ट रेट में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली किसी भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में, वो भी अपने मनपसंद ब्रांचेज में। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली जो मैंने कॉन्टैक्ट दिया आपको उस पर कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर उन्हें भी कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हो, वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आपको सिंपली करना है डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट है उससे कॉन्टैक्ट करना है। ओके, और आपको बोलना है उन्हें वहाँ पर कि आप ब्राइट अकेडमी चैनल से आए हो, तभी आपको वो लोएस्ट रेट में एडमिशन देंगे। ये बात याद रखना कि आपको बोलना है कि आप ब्राइट अकेडमी चैनल से आए हो, तभी आपको वो लोएस्ट रेट में एडमिशन देंगे, क्योंकि स्पेशली हमने आपके लिए उनसे बात की, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बात की। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।